नेपाल आज एक भयंकर क्राइसिस में है। पेट्रोल का प्राइस बढ़कर 150 रुपए लीटर पहुंच चुका है। इन्फ्लेशन बढ़कर 7.14% तक पहुंच गया है और अब नेपाल के पास सिर्फ 6 महीने के ही फॉरेन रिजर्व्स बाकी हैं। एंड नेपाल इज इन डीप ट्रबल। क्या नेपाल के साथ भी वही होगा जो श्रीलंका के साथ हुआ? अगर ऊपर से देखा जाए तो बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि नेपाल में आखिर चल क्या रहा है और ये चीज आखिर कितनी ज्यादा खतरनाक है। और नेपाल का यही इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज्यादा भयंकर हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आई नो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ना कि आखिर क्राइसिस तो नेपाल में आया तो इससे आखिर मुझे क्या। लेकिन दिस इज वेयर यू आर रॉन्ग, क्योंकि ये क्राइसिस सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं रहने वाला, इसका बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट इंडिया पर भी होगा। वेल, इसको समझने के लिए आपका इन 3 क्रिटिकल पॉइंट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 कि नेपाल में आखिर चल क्या रहा है। नंबर 2 कि नेपाल आखिर इस इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसा कैसे। एंड नंबर 3 कि चाइना आखिर नेपाल के साथ ऐसा क्या कर रहा है जो किसी को मालूम ही नहीं है। पिछले सिर्फ 1 साल में नेपाल का इन्फ्लेशन रेट 3.03% से बढ़कर 7.14% तक पहुंच गया है और आम आदमी के लिए सब्जियां 100 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है और कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स दिन ब दिन कम होते ही जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि नेपाल के साथ आखिर ये सारी चीजें क्यों और कैसे हो गई। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, वो कौन से पावरफुल लेसन है जो हम इस जियोपॉलिटिकल केस स्टडी से सीखकर अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2013 में, जब चाइना वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव को लॉन्च करती है और इस इनिशिएटिव के अंदर चाइना ऐसे ट्रेड रूट्स बनाएगी जो चाइना को 60 से ज्यादा यूरोपियन, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ कनेक्ट करेगा, जिसके चलते ना सिर्फ चाइना से एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स इन सारी कंट्रीज में जल्दी पहुंचेंगे बल्कि चाइना की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगी। अब देखने में तो ये बहुत ही ज्यादा छोटी चीज है, लेकिन यही वो चीज है जो चाइना को यूएस और इंडिया को डोमिनेट करने में मदद करेगी। एंड इन ट्रेड रूट्स को खड़ा करने के लिए चाइना एक बहुत ही इविल स्ट्रेटजी का यूज करती है जिसका नाम है द डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। सो बीआरआई को एग्जीक्यूट करने के लिए चाइना को जो सबसे पहली चीज चाहिए वो है कंट्रोल। कंट्रोल उन रूट्स के ऊपर जो चाइना को यूरोप के साथ कनेक्ट करते हो। लेकिन यूरोप ही क्यों? सो ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप के अंदर चाइना का सबसे ज्यादा माल एक्सपोर्ट होता है। पिछले साल 2021 के अंदर चाइना ने यूरोपियन यूनियन के साथ $709 बिलियन का ट्रेड किया, जिसमें से $550 बिलियन के सिर्फ और सिर्फ चाइना से एक्सपोर्ट्स थे। चाइना आज की डेट में यूरोपियन यूनियन को यूएस से भी ज्यादा स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स, मेडिकल सप्लाईज और मशीन्स प्रोवाइड करता है। और चाइना का ये बीआरआई इनिशिएटिव चाइना को इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर और ज्यादा कंट्रोल प्रोवाइड कराएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि चाइना ये सारी चीजें आखिर करता कैसे है। सो देखो, सबसे पहले चाइना अपने बीआरआई बेल्ट के अंदर ऐसे नेशंस को ढूंढता है जो कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वीक हो, क्योंकि जो इकोनॉमिकली वीक नेशंस होते हैं उनको हमेशा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही साथ अगर वो नेशन पॉलिटिकली भी वीक है तो उस नेशन के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। सो इसीलिए चाइना हमेशा इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वीक नेशंस को ढूंढता है, जैसे कि श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान। अब इन सारे नेशंस के पास किसी ना किसी तरीके का एडवांटेज जरूर से होता है, लेकिन इन नेशंस के पास कभी भी अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे ही नहीं होते, तो ये पैसे चाइना इन सारे नेशंस को एज लोन प्रोवाइड करता है। एंड दिस इज वेयर द गेम बिगिंस। जब भी चाइना किसी भी कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है तो वो साथ साथ कुछ कंडीशंस भी लगाता है। पहली कंडीशन, हाई इंटरेस्ट रेट्स। अगर वर्ल्ड बैंक से कोई भी कंट्री लोन लेती है तो उसको सिर्फ 1 या 2% तक का इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, लेकिन जब भी चाइना किसी कंट्री को लोन प्रोवाइड करती है तो वो 3 से 6% तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। दूसरी कंडीशन, रीपेमेंट टाइम। जहां वर्ल्ड बैंक से लिया गया लोन किसी भी नेशन को 25 से 30 साल के अंदर चुकाना होता है, वहीं पर चाइना से लिया गया लोन सिर्फ 10 से 15 साल में वापस करना पड़ता है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन, जिस भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए चाइना ने लोन दिया है वो प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ चाइनीज कंपनीज ही बनाएंगी। अगर हम श्रीलंका का केस देखें तो हम्बनटोटा पोर्ट बनाने के लिए चाइना ने $1 बिलियन का लोन ग्रांट किया था और हम्बनटोटा पोर्ट का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चाइना हार्बर इंजीनियरिंग इस कंपनी को मिला था। श्रीलंका ये लोन चुका नहीं पाई और इसके बदले में चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट को 100 साल की लीज पर श्रीलंका से ले लिया। ये सेम चीज हुई पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को बनाने के लिए भी चाइना ने लोन ग्रांट किया और ग्वादर पोर्ट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी को दिया गया। यानी कि इन शॉर्ट, चाइना ने इन कंट्रीज को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए लोन प्रोवाइड किया जो कि एंड में चाइना ने ही उनको बनाकर दिए। यानी कि वो पैसा जो चाइना ने एज लोन दिया था वो पैसा भी घूमकर चाइना के पास आ गया और जब ये कंट्रीज लोन नहीं रीपे कर पाती तो चाइना उन सारे के सारे एसेट्स जो चाइना ने उन्हें बिल्ड करके दिए उन पर कब्जा कर लेता है, जैसे कि ग्वादर पोर्ट और हम्बनटोटा पोर्ट। लेकिन सवाल ये है कि चाइना इस स्ट्रेटजी को आखिर क्यों यूज कर रहा है। वेल, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो चाइना का जो सी ट्रेड रूट जो कि वो यूज करते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड करने के लिए, उसके बीच में ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, द स्ट्रेट ऑफ मलाका और द सुएज कैनाल। इन दो रूट्स के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ता है वो पड़ता है द हम्बनटोटा पोर्ट जो कि श्रीलंका के अंडर था। अब अगर बात करें ग्वादर पोर्ट की तो ग्वादर पोर्ट इसलिए लिया गया क्योंकि ग्वादर पोर्ट से एक क्रूड ऑयल की पाइपलाइन बिल्ड करी जाएगी सीधा चाइना तक। बट इंटरेस्टिंगली अगर हम नेपाल की लोकेशन देखें तो नेपाल के पास ना तो कोई पोर्ट है और ना ही कोई ऐसा ट्रेड रूट जो कि यूरोप जाता हो, तो फिर नेपाल आखिर चाइना के किस काम का। एंड यही वो जगह है जहां से चाइना की वो खतरनाक साइड शुरू होती है जो किसी को मालूम ही नहीं। मई 2017 जिस टाइम पे माओइस्ट लीडर प्रचंड नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस टाइम पर नेपाल और चाइना के बीच में वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंडर एक डील साइन हुई थी। उसके बाद सरकार बदलती है और उसके ठीक
साल के बाद जून 2018 में नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली चाइना जाकर एक डील साइन करते हैं। इस डील के अंडर चाइना नेपाल को इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए 2.4 बिलियन डॉलर्स का लोन ग्रांट करती है। और इस डील का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एक रेलवे लाइन जो कि टिबेटियन बॉर्डर केरुंग को नेपाल के कैपिटल काठमांडू, पोखरा और लुम्बिनी से कनेक्ट करेगा। वैसे कहने को तो सारी दुनिया को दिखाने के लिए ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ नेपाल के बेनिफिट के लिए करी जा रही है, लेकिन ये बात चाइना को भी बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी नेपाल इस 2.4 बिलियन डॉलर्स के लोन को चुका ही नहीं पाएगी। एंड इन टर्न ये रेलवे लाइन भी चाइना ओवरटेक कर लेगी। एंड जिस दिन ये चीज हो गई तो उस दिन ना सिर्फ इंडिया बल्कि नेपाल भी चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगी, क्योंकि नेपाल इंडिया और चाइना के बीच में वो कड़ी है जिसके ऊपर अभी किसी का कंट्रोल ही नहीं है, और चाइना इस कंट्रोल को लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना ने पोखरा के एयरपोर्ट के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए 210 मिलियन डॉलर्स का एक सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया है, और अगर ये हो जाता है तो इंडिया बहुत ही हाई रिस्क पर आ जाएगी। वेल, अगर आप ध्यान से देखो तो इस कहानी के अंदर तीन मेन प्लेयर्स हैं। नंबर वन चाइना, जिसको किसी भी हाल में किसी भी तरीके से अपने ट्रेड रूट्स के ऊपर कंट्रोल चाहिए। नंबर टू नेपाली गवर्नमेंट जो कि करप्ट पॉलिटिशियंस से भरी पड़ी है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, यूएस एंटिटी मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन। साल 2017 में एमसीसी ने नेपाल के साथ एक 500 मिलियन डॉलर्स का ग्रांट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये 500 मिलियन डॉलर्स का ग्रांट नेपाल को ट्रांसमिशन लाइंस बिछाने के लिए दिया जा रहा था, जिसके चलते नेपाल को ये दो फायदे होते। नंबर वन कि नेपाल के अंदर ज्यादातर जगहों पर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी, एंड नंबर टू इन ट्रांसमिशन लाइंस के चलते नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। पर इंटरेस्टिंगली इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक 5 इयर्स का रेटिफिकेशन पीरियड था, यानी कि ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के अंदर अंदर एग्जीक्यूट होना बहुत जरूरी था। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए नेपाली गवर्नमेंट को 6 कंडीशंस को फुलफिल करना बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन नेपाली गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंडीशंस फुलफिल करी। लेकिन ऐसा क्यों? सो नेपाल के बारे में एक फन फैक्ट बताता हूँ। सेंट्रल बैंक गवर्नर, मिनिस्टर्स और सिविल सर्वेंट्स, इन सब के पास नेपाल के अंदर जो लैंड ओनरशिप सीलिंग है ना उससे ज्यादा लैंड है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात रमेश कुमार के फरवरी 2022 के अंदर लिखे गए आर्टिकल के अंदर मेंशनड है। नाउ लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली। 2017 में प्रचंडा जो कि उस टाइम पे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, वो एमसीसी के इस ग्रांट को पार्लियामेंट के अंदर प्रपोज करते हैं, लेकिन उस टाइम पर केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी जो कि उस टाइम पर ऑपोजिशन में थी, वो इस पूरे के पूरे ग्रांट को पार्लियामेंट के अंदर अपोज करते हैं। अब किसी ना किसी तरह इस ग्रांट को आगे पास करवाने के लिए सारी की सारी पार्टीज यूनाइट होती है और ये ग्रांट आगे पास होता है। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक 5 इयर्स का रेटिफिकेशन था, यानी कि 5 साल के अंदर अंदर इस पूरे ग्रांट का जो पैसा है वो यूटिलाइज होकर प्रोजेक्ट्स के अंदर लग जाना चाहिए। बट क्योंकि केपी शर्मा ओली की जो पार्टी है वो इसको रेगुलरली अपोज करे जा रही थी, इसको होते होते ही 5 साल लग गए। एंड फाइनली 27 फरवरी 2022 के अंदर जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में साइन हुआ। लेकिन अब एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है कि ये जो ग्रांट जिस प्रोजेक्ट के लिए दिया जा रहा है वो प्रोजेक्ट अगले सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर खत्म करना पड़ेगा। एंड ये चीज हर कोई जानता है कि ये चीज प्रैक्टिकली कितनी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन क्या आपको पता है कि सारा का सारा तमाशा आखिर करवाया किसने था? बिल्कुल सही, चाइना ने। नवंबर 2021 में नेपाल इंटेलिजेंस ने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट बनाया था जिसके अंदर ये क्लियरली मेंशन था कि चाइना मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से स्पाइज, जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स बनकर नेपाल के अंदर घुस के नेपाल के बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशंस को डीएस्टैब्लिश कर रहे हैं। पर इंटरेस्टिंगली चाइना के इस खतरनाक प्लान का ये सिर्फ 30% हिस्सा है, बाकी का 70% तो इससे कई ज्यादा भयानक है। क्या आप में से कभी किसी ने सोचा है कि ये सारे के सारे इंटरनेशनल मैटर्स हम सबकी नजरों से आखिर क्यों छुपाए जाते हैं? वेल, इसका सिंपल सा रीजन है कॉम्प्लेक्सिटी। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसलिए ये चीजें लोगों के सामने ज्यादातर नहीं रखी जाती। लेकिन अगर आपको इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना, तो आप ये सारी चीजें कुकू एफएम पर आसान हिंदी भाषा में भी सीख सकते हो। द ब्लैक स्वैन, कारगिल वॉर और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये सारी के सारे मेरे कुकू एफएम के ऊपर फेवरेट पीसेस ऑफ कंटेंट है। कुकू एफएम के ऊपर आपको 1000 से भी ज्यादा बुक समरीज, ऑडियो बुक्स और शोज आपकी रीजनल लैंग्वेज में मिल जाएंगे, जहां से आप ये सारी चीजें सीखकर बाकी लोगों से आगे निकल सकते हो। और हाँ, आपको तो पता है कि आदि 50 कूपन कोड जिससे आपको कुकू एफएम का साल भर का सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पर मिल सकता है ना, वो सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया है। लिमिटेड ऑफर है, चॉइस आपकी है। हमें से ज्यादातर लोगों को आज भी ये लगता है कि चाइना के पास इतनी ज्यादा पावर सिर्फ और सिर्फ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की वजह से है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, बल्कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी सिर्फ और सिर्फ चाइना की डोमिनेंस का एक छोटा सा पार्ट है। सो देखो, चाइना का जो मेन गेम है वो आखिर कैसे चलता है। पहले तो चाइना पॉलिटिकली वीक नेशंस को पकड़ता है। अब ज्यादातर पॉलिटिकली वीक नेशंस के अंदर जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो करप्ट होते हैं। सो चाइना अपने पैसे और इन्फ्लुएंस का यूज करके सबसे पहले तो इन पॉलिटिशियंस को पावर में लेके आता है, और जैसे ही ये पॉलिटिशियंस पावर में आते हैं ये ज्यादातर कंट्री के डिसीजंस चाइना के फेवर में लेने लग जाते हैं, जिसके चलते चाइना ना सिर्फ इन कंट्रीज को डेट ट्रैप के अंदर फंसाता है बल्कि इनको अपने टाइम आने पर एक्सप्लॉइट भी बहुत इजीली कर लेता है। केपी शर्मा ओली के पावर में आते ही नेपाल का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट एक चाइनीज कंपनी को मिलता है,
वो भी बिना किसी कॉम्पिटेटिव बिडिंग के। ग्लोबल वॉच की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओली के पास $5 मिलियन से भी ज्यादा कैश मीराबाद के जिनेवा बैंक की ब्रांच के अंदर पड़ा है। इनफैक्ट ओली की गवर्नेंस के अंडर नेपाल ने अपना काफी सारा लैंड चाइना के नाम कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नेपाल में ऐसी कई सारी जगह है जहां पर चाइना ने बॉर्डर पिलर्स को हटाकर पीएलए यानी पब्लिक लिबरेशन आर्मी को डिप्लॉय कर दिया है। लिमिलाचा, हुमला, धोलका, लालुंगजोंग, गोरखा और धाराचूला, इन सभी एरियाज के बॉर्डर्स को रिमूव करके चाइना ने अपनी पीएलए को वहां पर डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि चाइना इंडिया के ऊपर किसी भी तरीके का मिलिट्री अटैक प्लान नहीं कर रहा है और ना ही वो ऐसा करेंगे, क्योंकि इंडिया हर साल 100 से $150 बिलियन के गुड्स चाइना से इंपोर्ट करवाता है। बट ये वो जगह है जहां से चाइना का असली गेम शुरू होता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन, हर एक इंटरनेशनल मैटर के अंदर ये पांच लोग ही सबसे ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि दे आर द फेस। लेकिन रियलिटी ये है कि ज्यादातर इंटरनेशनल गेम्स आर्मी और पॉलिटिशियंस के थ्रू नहीं बल्कि स्पाई नेटवर्क्स के थ्रू खेले जाते हैं। साल 2013 में नरेंद्र मोदी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल ने एक पेपर पब्लिश किया था, जिस पेपर का नाम था चाइनीज इंटेलिजेंस फ्रॉम अ पार्टी आउटफिट टू साइबर वॉरियर्स। इस पेपर की रिसर्च ये कहती है कि चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी अपने स्पाई नेटवर्क्स को एक्सपैंड करने के लिए वीक नेशंस के पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करके उस कंट्री के अंदर उस लैंड को एक्वायर करती है जहां से वो अपने सारे के सारे स्पाई नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर पाए। एंड जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये मैप के ऊपर आप देख सकते हो कि ये सारी की सारी वो जगह है जो चाइना ने अपने कंट्रोल के अंडर ले ली है। सो अब देखो, इंडिया से नेपाल ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत इजीली आप इंडिया से नेपाल ट्रैवल कर सकते हो। एंड चाइना के इस लैंड कैप्चर के बाद जो चाइनीज एजेंट्स इंडिया के अंदर इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, चाइना के लिए उन सभी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। सो देखो, एक सिनेरियो लेते हैं। मान लो किसी एजेंट की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और वो एजेंट किसी न किसी तरीके से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के रडार में आ जाता है। सो अब उस एजेंट को अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ काठमांडू ट्रैवल करना है और काठमांडू पहुंचकर उसको इन चार में से किसी एक लोकेशन तक पहुंचना है। और जैसे ही वो स्पाई इन चारों में से किसी भी एक लोकेशन पर पहुंच जाता है, इंडिया उस स्पाई को उस वक्त वहां पर नहीं मार सकती। लेकिन ऐसा क्यों? सो देखो, नंबर वन, कि उन सारे के सारे एजेंट्स की जो आइडेंटिटी है वो पहले से डिस्गाइज्ड है, यानी कि दुनिया की नजर में या तो वो बिजनेसमैन है, कोई पॉलिटिशियन है, या फिर कोई ब्यूरोक्रेट है, या कोई जर्नलिस्ट है। एंड नंबर टू, चाइनीज टेरिटरी, क्योंकि चाइना ने वो सारी की सारी लैंड एक्वायर कर रखी है, तो अब वो पूरी की पूरी लैंड चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर आती है, मतलब कि वो चाइना का पार्ट है। प्लस उस सारी की सारी एरिया के अंदर चाइना की पब्लिक लिबरेशन आर्मी ऑपरेशनल है। लेकिन एक सिनेरियो पकड़ के चलो कि किसी ना किसी तरीके से उस स्पाई को इंडिया ने मार दिया, तो पता है क्या होगा? जहां पर सारी की सारी कंट्रीज अपने एजेंट्स को पहचानने से भी मना कर देती है, चाइना इंटरनेशनली ओपनली आकर इंडिया को इस बात पर ब्लेम करेगी कि इंडिया ने उनके किसी ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन को मार दिया है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें चाइना के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर करी गई हैं। एंड मोर ओवर, चाइना इस चीज को एक एक्सक्यूज के तौर पर भी यूज कर सकते हैं कि आप लोगों ने हमारे किसी ब्यूरोक्रेट को या बिजनेसमैन को मार दिया है, तो हम आपके साथ अब ट्रेड नहीं करेंगे। और ये चीज इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया हर साल चाइना से 100 से $150 बिलियन तक के गुड्स इंपोर्ट करवाती है, और अगर गलती से भी चाइना ने ये ट्रेड रोक दिया तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आज कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस और चाइना की इन एविल टैक्टिक्स के चलते नेपाल का इतना ज्यादा बुरा हाल है, और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो शायद नेपाल का हाल भी श्रीलंका जैसा हो सकता है। 2018 में नेपाल की जीडीपी का 25% सिर्फ रेमिटेंस से आता था, यानी कि वो लोग जो नेपाल के बाहर काम कर रहे हैं वो नेपाल में पैसा भेजते थे बाहर से। लेकिन कोविड पैंडेमिक के चलते उन सारे लोगों ने भी अपनी जॉब्स खो दी और रेमिटेंस इनकम घटकर सिर्फ 18.1% रह गई है। प्लस कोविड की वजह से नेपाल की टूरिज्म इंडस्ट्री, जिससे नेपाल की जीडीपी का 5% आता था, वो भी बहुत बुरी तरीके से हिट हुई है। और रशिया यूक्रेन वॉर के चलते ऑयल प्राइसेस ऑल टाइम हाई पर हैं, जिसके चलते नेपाल को बहुत ज्यादा पैसे देकर ऑयल खरीदना पड़ रहा है, और पिछले एक महीने में ही नेपाल का ट्रेड डेफिसिट 70.6% से बढ़ गया है। और इस प्राइस इंक्रीज के चलते नेपाल का इंपोर्ट बिल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तेल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, 150 रुपए लीटर, और ऑयल प्राइस बढ़ते ही पूरी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आ जाता है, क्योंकि जैसे ही फ्यूल का प्राइस बढ़ता है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है, और जब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है तो कंज्यूमर के पास जो एंड गुड पहुंचता है उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। प्लस नेपाल में करप्शन के चलते अनरेगुलेटेड क्रेडिट भी बहुत ज्यादा है। नेपाली बैंक्स ने खूब सारे अनरेगुलेटेड रियल एस्टेट लोन्स दे रखे हैं, जिनका टोटल अमाउंट 516 बिलियन रुपीज से भी ज्यादा पहुंच गया है। फिलहाल इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए नेपाल ने सभी लग्जरी गुड्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। वॉचेस, ज्वेलरी, कार्स, व्हिस्की, इन सारी चीजों के इंपोर्ट पर बैन लगा पड़ा है। और पेट्रोल के यूजेज को कम करने के लिए नेपाल ने दो पब्लिक हॉलीडेज यानी सैटरडे और संडे को पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिए, ताकि लोग घर से बाहर कम निकले और पेट्रोल कम यूज हो। बट गेस व्हाट, ऐसी खराब सिचुएशन के अंदर भी चाइना पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। ये सारा कुछ होते देख चाइना ने ये कहा कि जो हमने 2015 में आपको प्रॉमिस किया था कि आपके 1/3 ऑयल का सप्लाई हम आपको करके देंगे, वो सारी की सारी चीजें हम आपको अब प्रोवाइड कर देते हैं। और ये सब कुछ लेकर आता है हमको इस केस स्टडी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, कि वो कौन से पावरफुल लेसंस हैं जो हम इस जियोपॉलिटिकल केस स्टडी से सीखकर अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर वन, ट्राई नॉट टू बिलीव द मीडिया। जब भी कोई भी क्राइसिस हो या कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो, कभी भी मीडिया रिपोर्ट्स के झांसे में मत आओ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर मीडिया आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज दिखाएगी जिसको देखकर आप और ज्यादा भड़क जाओ। रादर ऐसी सिचुएशन के अंदर फैक्ट्स, एविडेंसेस, रिसर्च
डॉक्यूमेंट्स और जो प्रीवियस इवेंट्स, जो पहले घटी हुई घटनाएं है ना, उन सारी चीजों को स्टडी करना चाहिए ताकि आपको उन बातों का पता लग पाए जो मीडिया आपको जानकर नहीं बता रही है। और इसी के चलते आप इस सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर पाओगे बजाय के एक बायस्ड ओपिनियन कैरी करने के जो कि मीडिया ने आपको बेच दिया है। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सबके लिए चाइना के वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ओली गवर्नमेंट से रिलेटेड रिसर्चेस और अजीत डोवाल की चाइना इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ये सारी चीजें डाल दी हैं। अगर आप चाहो तो आप इन चीजों को स्टडी कर इस मैटर को और ज्यादा डीपली समझ सकते हो। और अगर आपको स्टडी करना बोरिंग लगता है तो कुको एफएम के ऊपर आसान हिंदी लैंग्वेज के अंदर प्रीमियम कंटेंट सिर्फ 199 रुपए में अवेलेबल है अगर आप मेरा कूपन कोड आदि50 यूज करते हो तो। सेकंड लेसन, सेल्फ डिपेंडेंसी। हमारे और हमारे देश के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने, क्योंकि जब तक हम अपनी नीड्स के लिए चाइना और बाकी सारी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तब तक ये कंट्रीज किसी ना किसी तरीके से हमें एक्सप्लॉइट करती रहेंगी। एंड ऐसे नहीं तो वैसे एट द एंड ऑफ द डे नुकसान तो देश का ही होता है। हम हर चीज खुद नहीं बना सकते, हमें इम्पोर्ट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर चीजें जो हम खुद बना सकते हैं हमें वो खुद से बनानी चाहिए। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, लुक बिहाइंड द शैडोज। किसी भी देश की गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया कोई भी स्टेप उस देश की जनता को इस तरीके से पोर्ट्रे कराया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ देश की भलाई के लिए, उन लोगों की भलाई के लिए ही लिया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। लुक एट नेपाल, वहाँ के लोगों को हमेशा यह एहसास दिलाया गया कि उनके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से लेकर रेलवे और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट तक ये सब के सब उस देश की भलाई के लिए करा जा रहा है, लोगों की भलाई के लिए करा जा रहा है, लेकिन रियलिटी क्या थी ये तो आप देख ही चुके हो। और हम में से ज्यादातर लोग ऐसी चीजों पर बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ना तो नेपाल के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट टाइम पर खत्म हुआ और जो खत्म भी हुए वो आज चाइना ने एक्वायर कर रखे हैं। और आज नेपाल का क्या हाल है ये तो आप सब लोग देख ही रहे हो। पॉलिटिशियंस ने सपने बेचे, लोगों ने वो सपने खरीदे और आज नेपाल की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि इकोनॉमी कभी भी कोलैप्स कर सकती है। इन डील से नेपाल के आम आदमी का फायदा नहीं बल्कि फायदा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस का और चाइना का। इसीलिए जब भी कोई भी सरकार कोई भी इनिशिएटिव प्रपोज करती है तो उनके हाइलाइटेड बेनिफिट्स को छोड़कर उस पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमें एक्चुअली में उस प्रोजेक्ट की रियलिटी का पता लगता है। और एक बार आपको ऐसा करने की हैबिट पड़ गई तो आपके लिए जियोपॉलिटिक्स को समझना और बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आई होप आपको इस एपिसोड में मजा आया हो। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और हाँ, क्या आपको पता है कि एक झाड़ू लगाने वाले स्वीपर ने कुछ टेक्निक्स का यूज करके 55 करोड़ रुपए कमाए थे? लेकिन सवाल याद आता है कि एक स्वीपर ने आखिरी सारी चीजें कर कैसे ली? वेल, अगर इसका राज जानना है ना तो ये राइट वाली वीडियो जरूर से देखना।